नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। नांदूरा तालुका के ग्राम वाड़ी में प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के तौर पर कार्यरत कपिल वाकोड़ो ने समाज के लिए एक नया आदर्श निर्माण किया है। अपनी बहन की शादी के दौरान उन्होंने एक अलग ही पद्धति का इस्तेमाल किया। समाज में नारी और पुरुष की समानता का संदेश देते हुए उन्होंने दुल्हा और दुल्हन दोनों को ही घोड़े पर बैठाकर शहर में उनकी भव्य शोभा यात्रा निकाली। और इसी तरह जब कोई नया रिश्ता जुड़ता है तो नवविवाहित जोड़े को संसार उपयोगी वस्तुएं भेंट के तौर पर दी जाती है। इस पर उन्होंने विचार किया कि आखिर हम सिर्फ वही वस्तुएं क्यों देते हैं जो कि नवविवाहित जोड़े के इस्तेमाल में आए, क्यों ना कोई ऐसी चीज तोहफे में दी जाए जो कि मौजूदा वक्त में समाज की ज़रूरत हो। इस बात पर विचार करते हुए उन्होंने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को उनके उपयोग में आने वाली पुस्तकें बांटी। वह इसके साथ साथ आज के दौर में पर्यावरण के बिगड़ते हालात को देखते हुए जिस तरीके से तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है और जमीन के नीचे पानी का स्तर कम होता जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में पर्यावरण को संतुलन देने की जिम्मेदारी भी समाज में रह रहे लोगों की है। इसको समझते हुए उन्होंने इस विवाह समारोह में आए प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग तरीके के एक एक पौधा भेंट स्वरूप दिया। इस विवाह समारोह में अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और ये विवाह अपनी अलग पद्धति को लेकर संपूर्ण जिला में लोगों की चर्चा का विषय रहा। वह इस विवाह समारोह के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए नवविवाहित जोड़े ने कहा कि इसी तरह के विवाह से और अपने घरेलू कार्यक्रमों से लोगों को समाज के प्रति जागरूक होने का संदेश देना चाहिए और अगर आगे भी ऐसे कार्यक्रम होंगे तो समाज में और जागरूकता आएगी। सर्वांना शिक्षणाची गरज आहे त्यासाठी दिली आणि ते आम्ही भीम फाउंडेशन यासाठी दिले तयार आहे। VCN न्यूज के लिए नांदूरा से पुरुषोत्तम भातुरकर की रिपोर्ट।